हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का सालन। मिर्ची का सालन मुस्लिम्स मैरिज में बिरयानी के साथ खाया जाता है। आज हम आपको इसकी सीक्रेट रेसिपी बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और इसकी रेसिपी सीखिए। तो हमने 5 मिर्चियाँ ले लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मिर्ची तीखी नहीं होती, इसलिए घबराइए मत कि कहीं सालन तीखा ना हो जाए। हम मिर्चियों को अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए, हमने सारी मिर्चियों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको एक अच्छे क्लीन क्लॉथ की मदद से अच्छे से पोंछ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक क्लीन क्लॉथ ले लिया है। अब इन मिर्चियों को हम पोंछ लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए और मिर्चियाँ अच्छी तरह से सूखी रहें। तलते वक्त हमको हार्म भी नहीं रहेगा कि कहीं तेल उड़ जाएगा, इसलिए हमने सारे मिर्चियों को पोंछ लिया है। अब हम एक चाकू की मदद से इस तरह से मिर्चियों को काट लेंगे और अंदर के जो बींजे हैं उसको निकाल लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इन बींजों को इसी में रहने दीजिए। अगर तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं तो इन सारे बींजों को अलग से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इन बींजों को निकाल लिया है। तो हम सारे बींजों को निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से बींजे निकल जाएंगे। ये मिर्ची का सालन आप जब बिरयानी के साथ बनाएंगे तो सब आपको पूछेंगे कि आपने इसके साथ कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए सारे इंग्रेडिएंट्स जिस तरह से हमने डाले हैं उस तरह से डालकर सालन बनाइए, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो हमने सारे मिर्चियों के बींजे निकाल लिए हैं। अब होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख लिया है, इसको हम पहले गर्म होने देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली को इसमें डाल लेंगे हम और थोड़ा सा भून लेंगे। तो मूंगफली को भून लीजिए, थोड़ा सा रेड होने तक भून लीजिए ताकि हम जब अगले इंग्रेडिएंट्स डालें तो हमारी मूंगफली भी भुन जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी भुन जाएं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया, इसको हम इसमें डाल लेंगे और इसको भी भून लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून वाइट तिल। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। और 1 टेबलस्पून बड़े वाले टेबलस्पून से लीजिए 1 टेबलस्पून कोकोनट। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अच्छी तरह से हिलाते हुए भूनिए, नहीं तो एक तरफ ये भुनेंगे एक तरफ नहीं भुनेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हिलाकर भूनने से इस तरह से होंगे। तो ये सारे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि हमको इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसको जार में डालकर पीसेंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को चॉप कर लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में 1 बड़े वाले टेबलस्पून से ऑयल डाल लीजिए और हमने जो ऑनियन चॉप करके रखा था इसमें इसको डाल लीजिए और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें सॉटे कर लीजिए। जब तक ऑनियन सॉटे होते हैं हम लेंगे इमली। इमली यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। इसको हम भीगने के लिए रख देंगे थोड़ा सा पानी डालकर। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि इमली हमारी सॉफ्ट हो जाए। एक साइड हमारी ऑनियन भी गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो अब हम इसको अलग से बर्तन में काढ़ लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऑयल के साथ ही हम ऑनियन निकाल लेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ 4 टमाटर, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। एक साइड हमारे ये सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। इसको जार में डालकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। और जो हमने ऑनियन फ्राई करके रखा था उसको भी इसमें डाल लेंगे। सारा ऑनियन ऑयल के साथ ही हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए।
उसके बाद हम लेंगे इमली जो हमने भिगो के रखा था, इसको जार में डाल लीजिए। और टमाटर जो हमने काट कर रखा था इसको भी हम जार में डाल लेंगे। तो सारे टमाटर हम जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। इसके बाद हमने जो मिर्ची काट कर रखा था इसको डाल लेंगे ऑयल में। हम इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट्स ही लगेंगे इसको सॉटे होने में। तो अच्छी तरह से दोनों तरफ हिलाकर सॉटे कर लीजिए। ये देखिए मिर्ची अच्छी तरह से सॉटे हो चुके हैं। इससे मिर्ची के सालन में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। सारे मिर्चियों को हमने एक बर्तन में काट लिया है। अब इसी सेम पैन में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून होने दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ले लिए हैं। इन हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से काट कर इसकी बींजे निकाल कर रख लिया है। अब इसमें तेल में डाल लिया है। इसको थोड़ा सा सॉटे होने दीजिए और फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देख रहे हैं कि हमने फ्लेम को लो ही रखा है। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। तो जिंजर पेस्ट हमने 1 टेबलस्पून डाल लिया है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो मसाले पीस कर रखे थे इसको भी इसमें डाल लेंगे। तो अभी तक हमने फ्लेम को लो ही रखा है, इन मसालों को भी हम डाल लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी इसमें डाल लीजिए। अब हम फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसको पकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, जो हमने इमली और टमाटर पीस के रखा था इसको डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट्स तक इसको इस तरह से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची। तो सारी मिर्चियों को इसमें डाल लीजिए और मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। लास्टली हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स डाल लीजिए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक लीजिए और 10 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पर पका लीजिए। तो हमने फ्लेम को लो रखा है और 10 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट्स के बाद हम ओपन करके देखेंगे। ये देखिए हमारा सालन पक चुका है, कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है ये सालन। आप इसको प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसको बिरयानी के साथ ही खाना है। तो हमारा सालन पक चुका है, हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से ये पक चुका है, इसका टेक्सचर कितनी अच्छी तरह से आया है, कलर कितना निखरा निखरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सालन बहुत तीखा नहीं रहेगा। अगर किसी को तीखा पसंद है तो वो बिना मिर्चियों के दाने निकाल कर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन है। इसको हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से और टमाटर से। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर डाला है, तो इसको इससे गार्निश कर लेंगे।
दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सालन। ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए और पसंद आया तो लाइक कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर से बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू।